सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्टिकेरिया क्या होता है। आप में से कई लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इसे हम नॉर्मल टर्म में सीत पित्ती या पित्ती उछलना बोलते हैं। तो जानेंगे क्या होती है ये प्रॉब्लम, किस वजह से हो जाती है, क्या कारण रहते हैं, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं और अंत में इसका एक बढ़िया सा होम्योपैथिक इलाज। तो इस वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस कंडीशन में कैसे आपको अपने आप को इस समस्या से निजात दिलाना है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए साइड में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, आपको उसको टच करके चैनल सब्सक्राइब करना है। बेल आइकॉन यानी घंटी दबानी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई भी नया वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आप अपने लिए फ्री में कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे मैं एवरीडे 7 PM पर लेकर आती हूँ। और पेड कंसल्टेंसी के लिए आप व्हाट्सएप पे जाके मेरे अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं या ट्रीटमेंट प्लान बाय कर सकते हैं 9305024291, ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। तो ये दोस्तों जानते हैं क्या होता है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया बहुत ही कॉमन सा एक कंडीशन है जिसका नाम आप सभी ने लगभग सुना होगा और कई बार आप में से कई लोगों ने इस समस्या का सामना भी किया होगा। ये अर्टिकेरिया क्यों हो जाते हैं? अर्टिकेरिया यानी आप पित्ती उछलना, सीत पित्ती, इन कई नामों से इसको जाना जाता है। ये होती है बेसिकली आपकी बॉडी की एक रिएक्शन है, इसे आप एंटी एलर्जिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लाइक जब भी आपको कोई ऐसा मेडिकेशन आपकी बॉडी में अंदर जाता है या आप समझ लीजिए किसी तरह का कोई एंटीजन, एंटीजन यानी कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल यानी जो आपके शरीर का नहीं है और आपके अंदर बाहर से कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी अदर चीज आपकी बॉडी में गई, तो आपका शरीर एक रिएक्शन देता है उस अजीब सी चीज से जिसे वो पहचान नहीं पा रहा है और उस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं अर्टिकेरिया होना। जैसे कि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो जैसे ही वो खाते हैं या किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है तो जैसे ही वो खाते हैं पूरी बॉडी में लाल लाल बड़े बड़े से चकत्ते हो जाते हैं। यही जो चकत्ते हैं इसे हम अर्टिकेरिया बोल रहे हैं, पित्ती उछलना बोल रहे हैं। ये क्यों होते हैं? ये आपकी बॉडी में एक तरह की रिएक्शन हुई जब बाहर से कोई ऐसा प्रोडक्ट गया जिसे शरीर ने नहीं पहचान पाया, हार्मफुल समझा अपने लिए, तो बॉडी ने उसके साथ रिएक्ट किया और इस तरह इस रिएक्शन की वजह से ये आपको पित्ती उछलना या लाल लाल चकत्ते बन गए हैं। अब ये जो चकत्ते होते हैं कई बार बहुत पेनफुल होते हैं, कई बार पेनलेस होते हैं, यानी कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी नहीं होता है। दूसरा, इसके साथ साथ कुछ लोगों को में इसके साथ साथ फीवर भी आ जाता है, यानी बुखार भी चढ़ जाता है अचानक से, जैसे ही ये हुआ बुखार भी आ जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं यदि ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो रही है तो आप इसके लिए क्या करें। यदि आपको कई बार ये कंडीशन डेवलप हो चुकी है या कभी आपने कुछ ऐसी मेडिसिन ली है और तुरंत ऐसी कंडीशन डेवलप हुई है तो तुरंत आप अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि मेडिसिन केमिकल अगर बहुत अधिक मात्रा में या IV इंजेक्शंस आपने लिए हैं और उसके बाद से ये दिक्कत हो रही है तो ये बहुत एक डेंजरस बात हो सकती है। आपको तुरंत एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके पास विजिट करने जाना चाहिए। कुछ लोगों को जनरली कुछ फूड वूड खाने से हो जाती है बॉडी में इस तरह की रिएक्शन, देन आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, या कुछ लोगों को सर्दी वाला मौसम आने से हो जाती है तो इस कंडीशन में आपको कुछ मैं दवाइयाँ बताने जा रही हूँ जिसका आप लोग सेवन कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आपकी एस्टिकस फ्लैब। एस्टिकस फ्लैब बहुत बढ़िया मेडिसिन है। एस्टिकस फ्लैब आपको यूज करना है अगर आपको कभी भी सीत पित्ती उछलती है या अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो एस्टिकस फ्लैब आप 30 में एस्टिकस फ्लैब का सेवन कर सकते हैं। ये एस्टिकस फ्लैब 30 आपको 6-6 गोलियां दिन में 3 बार या 2-2 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग पे लेनी होती है।
नेक्स्ट कंडीशन है आपके एंटिम क्रूड 30। अगर आपको ये एंटिम क्रूड 30 मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एंटिम क्रूड 30। अगर आपको गैस्ट्रिक ओरिजन, गैस्ट्रिक यानी पेट की वजह से आपको ये चकत्ते आना स्टार्ट हुए हैं पेट की किसी समस्या की वजह से, तो गैस्ट्रिक ओरिजन की वजह से अगर आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो एंटीम क्रूड बहुत अच्छा वर्क करेगी। आप एंटीम क्रूड 30 में लीजिए, दिन में 3 बार 6-6 गोलियां या 2-2 बूंदे डायरेक्ट रिटर्न पिल ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है अपनी डलका मारा 30। अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ हमेशा ठंडा बना रहता है, सीलन बनी रहती है, मौसम चेंज होता है, जैसे पानी वाला मौसम आता है यानी आपका रेनी सीजन आता है, आपको ये कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है, आप जहाँ पे रहते हैं बहुत डैम्प टाइप का गीला गीला सा है, ये गीले कपड़े पहनने की वजह से ये सब हुआ है, पसीना बहुत ज़्यादा आने की वजह से ये सब हुआ है, तो डलका मारा 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। आप डलका मारा 30 का सेवन कर सकते हैं दिन में 3 बार 6-6 गोलियां या 2-2 बूंदे डायरेक्टली टंग पे। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी एपिस मेलिफिका 200। अगर किसी तरह का कोई केमिकल, बाहर का कोई एंटीजन आ गया बॉडी में, खतरनाक सीवियर एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रही है जहाँ पर रेडनेस यानी लालपन, साथ ही साथ पेन, वो उस जगह का गर्म होना और रेड चकत्ते उभरे हुए दिखाई देना, इन सभी कंडीशन में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा वर्क करती है। आप एपिस मेलिफिका 200 में दिन में 3 बार 6-6 गोलियां या 2-2 बूंदे डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं। तो ये था आपका, अगर आपको हो रहा है बहुत एकदम सीवियर, बहुत वायलेंट टाइप का, बहुत जलन वाला पेन, तो एपिस मेलिफिका यहाँ पे वर्क अच्छा करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी अर्टिका यूरिन्स क्यू बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है इस तरह की किसी भी कंडीशन में, अर्टिकेरिया की कंडीशन में जहाँ पे बर्निंग और स्टिंगिंग यानी जलन और चुभन वाला दर्द हो, वहाँ आप अर्टिका यूरिन्स क्यू का सेवन करिए, 20 बूंदे आधे कप पानी मिला के सुबह शाम पीनी होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ, आपको मैंने यहाँ पे कुछ जनरल मेडिसिन बताई हैं जो अर्टिकेरिया के केसेस में यूज करके आप अर्टिकेरिया से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा किसी को बहुत लंबे समय से क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो बहुत इफेक्टिव रहेंगी आपकी अर्टिकेरिया के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो श्री होम में चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन टैप कर लें। और ये मेडिसिन कहाँ मिलेंगी? मेडिसिन मिलती है किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे, ऑनलाइन www.shrihomecenter.com पे, या जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, जो उल्टा तीर बना हुआ है आपको उसको क्लिक करना है, टच करना है, तो देखेंगे पूरे ऑप्शन आ गए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक करने का, मेडिसिन बाय करने की लिंक, वहाँ से जाके आप मेडिसिन बाय कर सकते हैं, होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे दीजिए यानी डॉक्टर सिद्ध को आप दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।